ओम शांति। 11 जुलाई 2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे सुन अवस्था अर्थात अशरीरी बनने का अभी समय है, इसी अवस्था में रहने का अभ्यास करो। बच्चे सुन अवस्था अर्थात अशरीरी बनने का अभी समय है, इसी अवस्था में रहने का अभ्यास करो। आज के मुरली का प्रश्न है, सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है, उसकी प्राप्ति कैसे होगी? सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है, उसकी प्राप्ति कैसे होगी? बाबा ने उत्तर दिया, संपूर्ण सिविलाइज्ड बनना, यही उच्च मंजिल है। कर्मेंद्रियों में जरा भी चराईमानी ना आए, तब संपूर्ण सिविलाइज्ड बने। जब ऐसी अवस्था हो तब विश्व की बादशाही मिल सकती है। गायन भी है, चढ़े तो चाखे अर्थात राजाओं का राजा बने, नहीं तो प्रजा। अब जांच करो मेरी वृत्ति कैसी है, कोई भी भूल तो नहीं होती है? अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे रूहानी बच्चों को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाप दादा व माता पिता का दिल व जान सिख व प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। डायमंड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, नंबर 1 पॉइंट, अपनी संभाल करने के लिए कदम कदम पर जांच करनी है कि आज मुझ आत्मा की वृत्ति कैसी रही। आँखें सिविल रही, देह अभिमानवश कौन सा पाप हुआ। अपनी संभाल करने के लिए कदम कदम पर जांच करनी है कि आज मुझ आत्मा की वृत्ति कैसी रही। आँखें सिविल रही, देह अभिमानवश कौन सा पाप हुआ। सेकंड पॉइंट, बुद्धि में अविनाशी ज्ञान धन धारण कर फिर दान करना है। बुद्धि में अविनाशी ज्ञान धन धारण कर फिर दान करना है। ज्ञान तलवार में याद का जौहर जरूर भरना है। ज्ञान तलवार में याद का जौहर जरूर भरना है। आज की मुरली का वरदान है, सत्यता की अथॉरिटी को धारण कर सर्व को आकर्षित करने वाले निर्भय और विजयी भव। सत्यता की अथॉरिटी को धारण कर सर्व को आकर्षित करने वाले निर्भय और विजयी भव। विश्लेषण है, आप बच्चे सत्यता की शक्तिशाली श्रेष्ठ आत्माएं हो। सत्य ज्ञान, सत्य माप, सत्य प्राप्ति, सत्य याद, सत्य गुण, सत्य शक्तियां सब प्राप्त हैं। इतनी बड़ी अथॉरिटी का नशा रहे तो यह सत्यता की अथॉरिटी हर आत्मा को आकर्षित करती रहेगी। झूठ कण में भी ऐसी सत्यता की शक्ति वाले विजयी बनते हैं।
सत्यता की प्राप्ति खुशी और निर्भयता है। सत्य बोलने वाला निर्भय होगा, उनको कभी भय नहीं हो सकता। बाबा कहते, सत्यता की प्राप्ति खुशी और निर्भयता है। सत्य बोलने वाला निर्भय होगा, उनको कभी भय नहीं हो सकता। आज की मुरली का स्लोगन है, वायुमंडल को परिवर्तन करने का साधन है पॉजिटिव संकल्प और शक्तिशाली वृत्ति। वायुमंडल को परिवर्तन करने का साधन है पॉजिटिव संकल्प और शक्तिशाली वृत्ति। ओम शांति।